दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रिंग नेक पैरेट जो होता है वो किस एज में ब्रीडिंग करता है। दोस्तों देखिए, रिंग नेक पैरेट का जो ब्रीडिंग एज होता है वैसे तो वो होता है 2 साल। 2 साल के बाद ही जो रिंग नेक पैरेट होता है वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये रिंग नेक पैरेट होता है वो अपनी ब्रीडिंग करता है एडल्ट एज में, यंग एज में वो अपनी ब्रीडिंग नहीं करता है। जैसे कि बजीज होते हैं वो यंग में भी ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो रिंग नेक पैरेट है वो एडल्ट एज में ही अपनी ब्रीडिंग जो है स्टार्ट करता है, यंग में नहीं करता है। दोस्तों एक और तरीका होता है, जब रिंग नेक पैरेट का जो गले में रिंग आती है वो पूरी तरह से आ जाती है रिंग, उसके बाद वो एडल्ट हो जाता है और तभी वो जो है अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। बात करते हैं इसके रिंग कब आती है, तो रिंग जो है इसकी कम से कम 1 साल यानी कि 1 साल 2 महीने में ऐसे कुछ कंप्लीट में आती स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 13 से 14 महीने में इसकी रिंग जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है और उसको कंप्लीट होने में कम से कम 4 से 5 महीने एक्स्ट्रा लग जाते हैं। जिस टाइम वो रिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है उस टाइम जो पैरेट है वो एडल्ट हो जाता है और ब्रीडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दोस्तों दूसरी बात करते हैं, इनकी आइज़ के पास एक येलो कलर की जो बाहर बाउंड्री होती है वो पूरी तरह से मोटी हो जाती है उनकी एडल्ट एज में और उस टाइम भी ब्रीडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। बात करते हैं इनके ब्रीडिंग की, अंडे कितने देते हैं दोस्तों इनके जो अंडे हैं 3 से 5 होते हैं और कोई कोई जो होता है वो 2 अंडे भी देता है दोस्तों रिंग नेक पैरेट, लेकिन इसका मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 होता है, लेकिन कई बार ये 2 अंडे भी दे देते हैं। दोस्तों यही थी आज की जानकारी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।